गुड मॉर्निंग सर, मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि आज अपने पास एक पेशेंट आई थी, उनको पीरियड रेगुलर नहीं थे, उनको दवाई लेने से ही पीरियड आते थे, आपने उनको कुछ इंजेक्शंस दिए हैं, तो वो इंजेक्शंस किस चीज़ के हैं और उनका क्या प्रॉब्लम था, कृपया इसको क्लियर कीजिए। नमस्कार, ये एक यंग गर्ल है, वो 27 साल की एज है और उसको शुरू में पीरियड आया था एक आध बार, पर उसके बाद से उसको पीरियड बंद हो गया और अभी जब पीरियड आता है उसको दवाई लेने से ही आता है। अब दवाई लेना, दो प्रकार की दवाई लेना होता है, एक होता है 5 दिन का जो प्रोजेस्टेरॉन देते हैं उससे उसको पीरियड नहीं आता, पर जब उसको 21 दिन वाली टैबलेट दी जाती है तो उसको पीरियड आता है। ये मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और इसमें एक मैं ये भी जोड़ देना चाहता हूँ कि उसको ये भी बताया गया जहाँ सोनोग्राफी हुई कि उसका यूट्रस छोटा है, तो यूट्रस भी छोटा है, पीरियड नहीं आता है और दवाई लेने से आता है, तो ये इसमें ट्रीटमेंट क्या दें, तो उसका मैं थोड़ा सा डिटेल बता दे रहा हूँ। ये जो लड़की है, इस लड़की का यदि आप यदि नेचुरल वो देखोगे जो पीरियड आने का जो सिस्टम होता है, होता ये है कि ये बच्चेदानी है, यहाँ पर दो अंडाशय होते हैं, इस अंडाशय में बहुत सारे अंडों की रेस होती है जो मैं पहले बता चुका हूँ, और उसमें से 900 या 1000 अंडे में से केवल एक अंडा ग्रो करके इसमें से बाहर आता है। जब ये अंडा बाहर आता है, बाहर आने के पहले इसको ग्रो करने में, शुरुआत करने में एक मोटा मोटा 14 दिन लगता है, और जब ये बाहर आता है तो यदि ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, हस्बैंड के शुक्राणु से नहीं मिला, या फिर अनमैरिड गर्ल है जिसका पीरियड रेगुलर आता है, तो ये जो थैली है ये 14 दिन तक जिंदा रहती है, मतलब 14 दिन अंडा निकलने के पहले और 14 दिन अंडा निकलने के बाद इसकी एक्टिविटी रहती है। ये जो एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी का असर पड़ता है बच्चेदानी की लाइनिंग में। तो जैसे खेत किसी भी अंकुरित अनाज को प्लांट करने के पहले प्रिपेयर होती है, वैसे ही अंडा निकलने के पहले ये प्रिपेयर होती है, उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। ये प्रिपेयर होने के बाद में यदि यहाँ पर एक अंकुरित फर्टिलाइज्ड एग यहाँ के बैठा, तो फिर इसमें सिंचाई होती है ताकि ये जिंदा रहे, उसको सिक्रीटरी फेज बोलते हैं, मतलब सिक्रीशन होते हैं। यदि ये फर्टिलाइज्ड एग यहाँ नहीं आया तो ये सिक्रेटरी फेज कुछ दिन तक मेंटेन होने के बाद में इसकी डेथ हो जाती, खत्म हो जाता है ये 14 दिन बाद, तो इसका सपोर्ट बंद हो जाता है। उस सपोर्ट के बंद होने से ये जो लाइनिंग बनी थी ये अब कोई काम की नहीं, तो नेचर उसको बाहर फेंक देता है, उसको पीरियड बोलते हैं। तो पीरियड किसी भी लेडी को बच्चेदानी की एक्टिविटी से तो आता है, पर बच्चेदानी की जो एक्टिविटी है वो किससे गवर्न हो रही, किससे संचालित हो रही, अंडाशय से। कई लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं कि इस बच्चेदानी का ट्यूब से रिलेशन है बच्चेदानी से पीरियड आना, ऐसा नहीं है। ट्यूब में केवल निषेचन होता है, हस्बैंड वाइफ के जो बीज होते हैं वो मिलन होता है। अब ये जो पेशेंट आई ये 27 इयर्स की है, इसको माहवारी नहीं आती। अब माहवारी यदि नहीं आती है, पीरियड यदि नहीं आता है, तो ये बच्चेदानी एक्टिविटी नहीं कर रही, ये किससे संचालित होती है, अंडाशय से। इसका मतलब इसके अंडाशय में प्रॉब्लम है। अब अंडाशय में प्रॉब्लम है, यदि उसके अंडे है ही नहीं तो इस अंडाशय से इस पीरियड को नहीं चला सकते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास अंडे हों और निकलते नहीं हों तो भी ये बच्चेदानी नहीं चलेगी, तब भी पीरियड नहीं आएगा। इस लेडी का यदि अंडाशय में अंडे नहीं है, मतलब बीज नहीं है, तो इसको अपने बीज से बच्चा होने में मुश्किल होगी, तब उसको एक डोनेशन पे जाना पड़ेगा। पर इस पेशेंट में यदि अंडे हैं और निकलते नहीं हैं, तो हम इस अंडाशय को स्टिमुलेट करके, उत्तेजित करके, दवाई देके अंडा बना भी सकते। बीज है तो बीज का ग्रोथ हो सकता, बीज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे से बीज लेना पड़ेगा। ये जो बीज बाहर निकले, यदि बाहर निकले, यदि फर्टिलाइज नहीं हुए, निषेचित नहीं हुए, तो 14 दिन बाद इसको पीरियड आ जाएगा।
जिसको पीरियड नहीं भी आता था, यदि उसको अंडाशय में अंडे हैं और अंडे निकाले यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको पीरियड आ जाएगा। ये लड़की क्या कर रही है, इस अंडाशय से, इस बच्चेदानी को चलाने वाला जो केमिकल ब्लड से आता है उसको ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर यदि आप इसको फॉलो करोगे, इस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से इस बच्चेदानी की संचालन होती है। ये लड़की क्या करती है, बाजार से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है उसमें ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन रहता है, ये जब खाती है तो बच्चेदानी को लगता है कि ये अंडाशय से आया। 21 दिन खाने के बाद इसको वो रोक देती है, जब वो रोक देती है तो ये जो लाइनिंग है ये बाहर आ जाती है, तो इसको पीरियड आ जाता है। पर ऐसे करके पीरियड लाने से इसको प्रेगनेंसी नहीं होगी क्योंकि आप अंडाशय को नहीं चला रहे हो। मैंने इस पेशेंट का जब जांच किया तो ये देखा कि इसके अंडाशय में अंडे हैं पर निकल नहीं रहे हैं, तो हमने क्या किया, इस अंडाशय को चलाने वाला कौन है, इसको चलाने वाला पिट्यूटरी ब्रेन है। जो ब्रेन है उधर से FSH और LH करके जो हार्मोन निकलता है वो मैंने बाजार से इसको देना चालू किया। अब मैं ये देखूंगा कि इसके अंडाशय में यदि अंडे बनने लगे तो इसकी झिल्ली भी बनेगी, लाइन बनेगी। यदि इसके अंडाशय को बाहर अंडा निकालने के लिए हमने इंजेक्शन दे के निकाले तो इसको हस्बैंड के साथ रहने बोलूंगा कि ये अपने आप प्रेग्नेंट हो जाए, यदि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो पीरियड आएगा। तो ये एक मोटा मोटा एक सामान्य आदमी को जानने के लिए है कि यदि पीरियड नहीं आता है तो पीरियड रेगुलर क्यों नहीं आ रहा, उसकी जांच, उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अंदाज से दवाई दे के पीरियड तो ला सकते हो पर उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी और उसका परमानेंट इलाज नहीं होगा। तो जरूरी नहीं जिसको पीरियड नहीं आ रहा, उस पीरियड नहीं आने के कारण बच्चेदानी भी छोटी हो गई क्योंकि उसके पास हार्मोन ही नहीं है, तो वो बच्चेदानी फिर काम की हो सकती है यदि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ऐसी लड़कियां जिनका पीरियड आया था या पीरियड आया ही नहीं, उनका ये जांच करना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर फॉल्ट है, वो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। आशा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर लोगों को समझ में आया होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।